तीन दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायकों की सच्चाई जानती है जनता। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला कलेक्टर ने देर रात किया जुन्नारदेव वार्ड नंबर 3 का निरीक्षण। बिना मास्क लगाए कलेक्ट्रेट में घूमना बाबू को पड़ा महंगा, निगम कमिश्नर ने लगाया अर्थदंड। रोटरी क्लब ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोविड 19 स्क्रीनिंग के लिए कलेक्टर को सौंपी 25 किट। और आर्थिक मदद की मांग को लेकर जुन्नारदेव टेंट व्यवसायियों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सभाकक्ष में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, निगम आयुक्त राजेश शाही उपस्थित थे। इस दौरान कोरोना की रोकथाम और किसानों की फसल की खरीद बिक्री को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपने तीन दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ ने प्रदेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायकों की सच्चाई जनता जानती है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में किए जा रहे कार्यों की शिवराज सरकार द्वारा किए जा रहे जांच को लेकर कहा कि छिंदवाड़ा में विकास के जो भी काम हुए हैं वह सब निर्धारित प्रक्रिया के तहत टेंडर से हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जो जांच करा ले। देखिए, ये मैं तो पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से, आप ये इंटरनेट पर डाल दीजिए कि इसको कितना पैसा मिला, कौन से उद्योगों को कितना पैसा मिला और उनका पता क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है। ये 20 लाख करोड़ 2020 जैसे मैच होता है, हाँ 2020 का सोच के उन्होंने कहा 20 का ही होना चाहिए। तो ये देश को गुमराह करने की बात है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने देर रात जुन्नारदेव वार्ड नंबर 3 का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा बरती गई सतर्कता की प्रशंसा भी की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम रोशन राय, तहसीलदार कमलेश राम नीरज, थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्गो, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, नगर पालिका कर्मचारी मुकेश चौरसिया सहित पुलिस का अमला, नगर पालिका कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्ट्रेट में बिना मास्क लगाए घूम रहे उप संचालक कृषि विभाग के बड़े बाबू को महंगा पड़ गया। दरअसल कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। इस दौरान निगम आयुक्त राजेश शाही ने ऑफिस से निकलते हुए एस के लोखंडे को बिना मास्क के बाहर घूमते हुए देख लिया और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन पर अर्थदंड लगाया। जुन्नारदेव टेंट व्यवसायियों ने आर्थिक मदद देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। टेंट व्यवसायी प्रेम शाह मरावी ने बताया कि टेंट में काम करने वाले मजदूर और मालिक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिसको देखते हुए शासन द्वारा आर्थिक मदद की जानी चाहिए, जिसको देखते ही उन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है। बुलेटिन वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424409618, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री अकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री अकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोज बनाए गए हैं। ये वीडियोज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना से छिंदवाड़ा को सुरक्षित रखने और प्रत्येक जिलेवासी की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए जनहित में जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करना प्रत्येक निवासी की व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी है। इसी तारतम्य में रोटरी क्लब छिंदवाड़ा के सदस्यों द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से भेंट कर उन्हें 25 टीमों के लिए आवश्यक स्क्रीनिंग किट जनहित में सौंपी गई। प्रत्येक किट न्यूनतम 2 व्यक्तियों की एक टीम के द्वारा उपयोग के लिए बनाई गई है, जो घर घर जाकर जिले के संपूर्ण जनसमुदाय की स्क्रीनिंग का अभियान चलाएंगे।
कांग्रेस पार्षद दल ने बुधवार को निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त राजेश शाही को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों का ठेका निरस्त किए जाने के कारण 400 से अधिक सफाई कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, जिसको लेकर पार्षद दल ने ज्ञापन सौंपा है। ये अगर ठेका बंद कर रहे थे तो जो 450 परिवार जो नगर निगम में रोजगार पा रहे थे, जिनका परिवार पल रहा था, उनके साथ अचानक उनका ठेका निरस्त करके उनका रोजगार बंद करके उनको बेरोजगार कर दिया गया। जबकि इस कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, ये बोला जा रहा है कि कोई प्राइवेट का भी कर्मचारी अगर काम नहीं कर रहा है तो घर बैठे तनख्वाह दी जाए, और यहाँ गवर्नमेंट नगर निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, 24 वार्ड में सफाई व्यवस्था देख रहे थे, उनको अचानक बंद कर दिया गया बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना। आज इसी बात को लेकर हमने आज कमिश्नर साहब का ध्यान आकर्षण करवाया कि गरीब परिवारों की हालत, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई छिंदवाड़ा के द्वारा आज पुलिस अधीक्षक अग्रवाल के माध्यम से पुलिस विभाग में कार्यरत कोरोना योद्धाओं पुलिसकर्मियों के द्वारा वर्तमान में किए जा रहे चुनौतीपूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए 50,100 रुपए राशि की सुरक्षा सामग्री, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवॉश और ORS सौंपी गई। इस अवसर पर वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री विजय झांझरी, जिला इकाई अध्यक्ष रमेश जाकोटिया, कार्यकारी जिलाध्यक्ष JP नेमा, जिला प्रभारी प्रभु नारायण नेमा, अनिल गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीरज भारद्वाज, छिंदवाड़ा तहसील इकाई अध्यक्ष श्रीनाथ अग्रवाल, परासी अध्यक्ष महेश जैन, राजेंद्र बाकलीवाल, आशीष पाटौदी, अभय दुग्गड़ आदि सदस्य उपस्थित थे। कोरोना योद्धाओं ने जिस तरीके से छिंदवाड़ा में आम जनता के लिए, कोरोना योद्धाओं से मेरा मतलब है जो पुलिस प्रशासन ने एक अच्छी व्यवस्था जनता को दी, उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर वैश्य महासम्मेलन तहसील इकाई छिंदवाड़ा की ओर से 50,000 मूल्य की सामग्री, जो कि उनके लिए अति आवश्यक इस समय पर बताई जा रही थी, जिसमें सैनिटाइजर है, मास्क है, हैंड वॉश है, ORS के है, वो सब सामग्री आज वैश्य महासम्मेलन की ओर से पुलिस अधीक्षक महोदय को आज यहां वैश्य महासम्मेलन के प्रमुख सदस्यों के द्वारा यहां सौंपी गई। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कोरोना वायरस के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के गरीब, दिहाड़ी मजदूर और सामाजिक जातिगत धंधा करने वाले लोगों को सरकार द्वारा 5,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक मदद किए जाने का आग्रह राष्ट्रपति और राज्यपाल से किया गया है, और इन्हीं के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सामाजिक SC ST OBC में जितने भी सामाजिक लोग सामाजिक धंधा व्यवसाय करते हैं, इस कोरोना महामारी को देखते हुए सभी का काम बंद है एवं धंधा व्यापार ध्वस्त हो चुका है, जिसमें उनका परिवार चलाने के लिए उनको 5,000 रुपये हर महीना प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से भीम आर्मी एकता मिशन की तरफ से निवेदन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को चिन्हित करके SC ST OBC को 5,000 रुपये प्रति महीना दिलाया जाए। मोखेड़ विकासखंड में इन दिनों अवैध रेत सप्लाई का कार्य बढ़ता जा रहा है, जिसमें बिना रॉयल्टी के ओवरलोड हाईवा के द्वारा अवैध उत्खनन का कार्य रामकोना क्षेत्र की नदियों से किया जा रहा है, जिसमें 12 घन मीटर की रॉयल्टी पर 18 घन मीटर मार ओवरलोड ले जाया जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों के ऊपर रेत उड़कर उनकी आंखों में जाती है, जिससे उन्हें परेशानियां हो रही हैं और दुर्घटना की आशंका भी दोपहिया वाहन चालकों में बनी रहती है। नगर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा खनिज विभाग से बंजारी खुटामा के पास खनिज विभाग का नाका लगाने की मांग और रॉयल्टी चेक कर इन वाहनों को आगे भेजने के लिए जिला कलेक्टर के नाम मौकेड़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। श्री राम नाम सेवा समिति छिंदवाड़ा ने शहर में जल की समस्या को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, शादी, मैरिज लॉन, कल कारखानों में वाटर हार्वेस्टिंग बनवाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कल कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने आज कुल 145 लोगों को होम क्वारंटीन किया है, जिसमें 113 छिंदवाड़ा से, 8 जुन्नारदेव से और 24 न्यूटन चिखली से हैं। इसके साथ ही विवाह समारोह में शामिल एक नाई को भी क्वारंटीन किया गया है, जिसने संबंधित परिवार के लोगों की हजामत बनाई थी। साथ ही शनिचरा बाजार स्थित एक ज्वेलरी की शॉप और एक रेडीमेड कपड़े की दुकान भी सील की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में OPD, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं।